हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट बायोग्राफी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपरस्टार यश की, जो कि सिर्फ कन्नड़ फिल्म के ही नहीं इंडियन फिल्म के भी सुपरस्टार हैं। दोस्तों, यश ने अपने एक्टिंग करियर में बहुत बार फेलियर को फेस किए हैं और आज अपनी मेहनत के दम पर सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी यश के फैन हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यश का रियल नेम है नवीन कुमार और उनका निक नेम है यश या रसगुल्ला। वैसे तो यश प्रोफेशन से एक एक्टर और प्लेबैक सिंगर हैं। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक इंडिया में हुआ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, और 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 36 ईयर्स। वैसे तो यश बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे और उन्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यश के एजुकेशन के बारे में। तो वे महाजाना फ्री यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं यश के फैमिली से। तो उनके फैमिली में उनके माता पिता के अलावा उनकी एक बहन भी है जिसका नाम नंदनी है और उनके पिता का नाम है अरुण कुमार। दोस्तों, अगर बात करें यश के मैरिटल स्टेटस के बारे में तो वे मैरिड हैं और उनका एक बेटा और एक बेटी भी है जिसका नाम आर्या और बेटी का नाम आयुष है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यश के कैरियर की। तो वे बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे पर उन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया और उनके अच्छे एक्टिंग के कारण उन्हें सीरियल में काम करने का मौका भी मिल गया। उनका पहला सीरियल का नाम है नंद गोकुला, जो कि 2004 में आई थी। यश को तो सीरियल में काम तो मिल गया पर उनका सपना था मूवी में काम करने का। फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। आखिर उन्हें 2007 में एक मूवी मिल ही गई। इस मूवी में यश को एक छोटा सा रोल मिला था। फिर साल 2008 में यश को एक और मूवी मिली जिसका नाम था मोगिना मानसू। इस मूवी में यश को एक सपोर्टिंग रोल मिला था। फिर आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई। साल 2009 में गोकुला नाम के एक मूवी में लीड एक्टर के रूप में काम मिला और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर आते ही सुपरहिट साबित हुई। फिर यश के इस मूवी के सुपरहिट जाने के कारण यश को मूवी पर मूवी मिलना चालू हो गई। उसमें से कई मूवी सुपर डुपर हिट भी साबित हुई, गूगली, KGF, मिस्टर एंड मिसेज रामचरी। दोस्तों, यश की KGF मूवी उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई क्योंकि ये मूवी रिलीज होते ही सुपर डुपर हिट साबित हुई और इस मूवी से यश की काफ़ी फैंस फॉलोइंग बढ़ गई। और इनका एक और मूवी आ रही है KGF चैप्टर 2, जिसका टीज़र निकलते ही YouTube पर धमाल मचा दिया। और ये भी लगता है KGF चैप्टर 2 मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होगी क्योंकि सिर्फ उसका एक टीज़र आते ही वह YouTube पर ट्रेंड पर चला गया। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यश के इनकम के बारे में। तो यश एक मूवी करने का 10 से 12 करोड़ चार्ज करते हैं। वही दोस्तों, अगर बात करें यश के नेटवर्थ की तो उनका पूरा नेटवर्थ है 90 करोड़ रुपीज़। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यश के हाउस की। तो यश अपने फैमिली के साथ विद्यानगर में रहते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यश के कार्स एंड बाइक कलेक्शन की। तो उनके पास एक मर्सिडीज बेंज GLE 400 है जिसकी प्राइस है 80 लाख रुपीज़ और यश के पास एक मर्सिडीज बेंज ई है जिसका प्राइस है 50 लाख रुपीज़ और यश के पास एक और मर्सिडीज बेंज GLS 350D है जिसका प्राइस है 90 लाख रुपीज़। यश के पास एक ऑडी A6 भी है जिसका प्राइस है 60 लाख रुपीज़। इसके अलावा यश के पास एक टोयोटो फॉर्च्यूनर भी है जिसका प्राइस है 35 लाख रुपीज़। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी यश को दिल से पसंद करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ हमारी मदद करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।